मंदसौर पशुपतिनाथ के मेले में दुकान लगाने के लिए देनी पड़ रही है पहले रिश्वत। बाहर से आए व्यापारियों ने बताया वीडियो, हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। मंदसौर पशुपतिनाथ के मेले में भी नगर पालिका के कर्मचारी बिना पैसे लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। मंदसौर एवं बाहर से आए व्यापारियों के फॉर्म जमा करने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है, इस तरह का आरोप आए व्यापारियों ने लगाया। हॉल में बड़ी संख्या में लोग पैसे देकर अपने फॉर्म जमा करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस दौरान बाहर के व्यापारी और मंदसौर के व्यापारियों ने इसका विरोध किया और नगर पालिका कर्मचारी वहां पैसे देकर फॉर्म जमा कर रहे लोग भी इधर उधर भाग गए। बाहर से व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अपने अपने लोगों को फॉर्म जमा कराने के नाम पर उनसे पैसे लेकर उनका काम पहले कर रहे हैं और जो बाहर के व्यापारी हैं वह सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही बताया गया कि जिस व्यापारी के 5-5 फॉर्म है उनसे 500 रुपए लिए जा रहे हैं और जिन व्यापारियों के 10 फॉर्म है उनसे 1000 रुपए लिए जा रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि इसका वीडियो भी हम लोगों ने पैसे लेते हुए बनाया है, एक ही नहीं जितने कर्मचारी यहाँ मौजूद है सभी लोग पैसे लेकर कार्य कर रहे हैं। मौके पर हंगामे को देखते हुए कोतवाली थाने के पुलिस जवान भी पहुंच गए और हंगामे को शांत कराया। सभी को लाइन में लगवा कर उनके फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। हर साल पशुपतिनाथ के इस मेले में इस तरह कर्मचारी नगर पालिका के पैसे लेकर दुकान आवंटित करने का कार्य करते हैं, पर ऐसे दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल गुरुवार को पशुपतिनाथ मेले का शुभारंभ भी हो गया, पर अभी तक पशुपतिनाथ का मेला नहीं जम पाया है क्योंकि इस बार आदर्श आचार संहिता के कारण परमिशन नहीं मिल पाई थी, जिसका खामियाजा आए व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे मेले में फॉर्म भर रहे हैं, जैसे फॉर्म आज भरने की तारीख है और सुबह से लगे हुए सारे महिला और लेडीज सर, मतलब जेंट्स वगैरह सब, तो मतलब जैसे कि प्लाट का है निश्चित, ये अपने 1300 रुपये तो इसका है किराया प्लाट का और 1100 रुपये जो इसके लिए अमानत राशि है, ठीक है, तो अब 2400 रुपये बन रहे हैं सब हो गए, तो ये एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। एक फार्म के जैसे कि 100 रुपये, अब किसी के पास में 5 फार्म भरे तो 500 रुपये उससे ले रहे, 10 फार्म है तो 1000 रुपये उससे, और साइड में से वो जो चेयरमैन वो जो है ना चाय के बहाने से आता है बाहर और ग्राहक मतलब ये देख लेता है कि कौन है, उसको बोलता है कि मेरे जल्दी करवाना फॉर्म वगैरह, तो उसको साथ में ले जाता अंदर और 10 फार्म है तो 1000 एक्स्ट्रा लेता है और उसका काम कर रहा है। और बाहर सारी जनता जैसे कि 10 बजे से लाइन लग रही है तो 10 से 11 में मतलब 4 कदम आगे निकल रहा है वो, अब अभी शाम को 6 बज गई है तो मतलब 6 या 7 कदम आगे है बस, बाकी तो किसी के फॉर्म भी नहीं हो रहे हैं। कम से कम इन्होंने बाहर वालों के फॉर्म भरे होंगे कम से कम यूँ मान के चलो कि 10 या 15 बस, उसके बाद सारी जनता मतलब भूखे प्यासे कोई पानी पीने भी नहीं जा रहा, उसके चक्कर में कि मैं हटूँगा तो कोई दूसरा लग जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो लाइन में सुबह से लगे हुए हैं 8 बजे के लोग लाइन में लगे हुए हैं और 1 बजे इन्होंने ऑफिस खोला, 1 बजे बाद इन्होंने फार्म लेना शुरू करे और जो लाइन में लगे वो तो बेचारे फार्म लेके खड़े और अंदर से वो फार्म ले रहे 100-200 रुपये ऊपर सबसे लेके और रसीद बना बना के दे रहे, हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये अंदर नगरकर्मी जो सब है ये महिला भी हमारे साथ है, इन्होंने भी देखा आंखों से, उनको मना करा जब जाके उन्होंने सबको बाहर निकाला और अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ है तो क्या अंदर आ गई, कह रहा है कि आप पैसे ले रहे हो फॉर्म जमा कर रहे हैं कि नाम कौन दे रहा है, वो कह रहे हैं लोग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब पब्लिक है तो कुछ भी कर कैसे, कुछ नहीं ऐसा। फोर्थ क्लास कर्मचारी पे हूँ। पशुपतिनाथ मेले के लिए दुकानें मिलती ना आवंटित, उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो परसों भी फॉर्म मिल रहे थे, कल भी फॉर्म मिल रहे थे और परसों भी इतनी लंबी लाइन लगी थी कि सब परेशान हो, महिला भी परेशान हो रही थी और जेंट्स भी परेशान हो रहे थे, और आज फॉर्म जमा करने की तारीख थी तो आज जमा करने के लिए सुबह से लगे हुए हम, तो सुबह से लेके अभी शाम हो गई है, ना खाया पिया कुछ भी नहीं है, तब से परेशान हो रहे हैं और लाइन जहाँ थी ना वहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है, अंदर ऐसा मिली भगत होने का आरोप है, लगता है कि कुछ सेटिंग बाजी चल रही है और पैसे लेते हुए भी किसी ने वीडियो भी बनाई है, मतलब अंदर पैसे लेते हुए किसी ने वीडियो बनाई इनकी। फॉर्म भरने आए हम, अंदर से पैसे ले लेके फॉर्म भर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो अंदर से भर रहा है, बाकी सब सुबह से लाइन में खड़े हैं, है ना, खड़े खड़े ये टाइम हो गया और अभी 6 बजे बंद करके भाग जाएंगे, इनका कोटा पूरा हो गया, हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे, फिर सुबह आएंगे, इनको बोल लो कि भले ही रात में 8 बजे फॉर्म हमारे जमे होने चाहिए, आज बस आज उठेंगे नहीं है, हम ताला लगा देंगे इधर से, उस गेट पे भी ताला लगा देंगे, उठने नहीं देंगे, अंदर से पैसे ले रहे हैं और फॉर्म पहले ले रहे हैं, जो घर गए पैसे देने वाले, हम लोग सुबह से यहाँ खड़े।